नागपुर मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2023 के लिए मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है और जिलाधिकारी संदीप कदम ने चुनाव आयोग द्वारा जारी फॉर्म 19 भरकर पात्र शिक्षकों से मतदाता बनने की अपील की है। उन्होंने ये जानकारी मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय सभागृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1970 की धारा 31 के तहत 1 अक्टूबर 2022 से एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई है। इसके साथ ही नागपुर संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2023 के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरा एवं अंतिम नोटिस 25 अक्टूबर को जारी होने के बाद दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। मसौदा मतदाता सूची 23 नवंबर को जारी की जाएगी। दावों और आपत्तियों की निपटारे की तिथि 25 दिसंबर 2022 है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं को 1 अक्टूबर 2022 से 9 दिसंबर 2022 तक दो चरणों में अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इसके लिए निर्वाचन विभाग फॉर्म 19 भरना अनिवार्य है। इस पंजीकरण के लिए तहसीलदार प्रत्येक तालुका के लिए सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और उपमंडल अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। तुमसर, भंडारा व पौनी में मुख्य नगर परिषद मनोनीत अधिकारी के रूप में कार्य करेगी। समूह विकास अधिकारी लाखनी को भी लाखनी तालुका के लिए पदनामित अधिकारी घोषित किया गया है। श्रीपति मोरे उपजिला निवडणूक अधिकारी भंडारा। दिनांक 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी भारत निवडणूक आयोगाने शिक्षक मतदान संघाचा मतदान नोंदणी कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे। या मतदान नोंदणी कार्यक्रमानुसार 1 ऑक्टोबर 2022 ते 17 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीमध्ये माध्यमिक आणि त्यावरील शिक्षक हे मतदान नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात। मतदान नोंदणीचा फॉर्म क्रमांक 19 असून तो सर्व तहसील कार्यालय, गट विकास अधिकाऱ्यालय, मुख्य अधिकारी यांचे नगर पंचायत आणि नगरपालिका कार्यालय येथे उपलब्ध आहे। या ठिकाणी ते आपला अर्ज सर्व कागदपत्रासह जमा करू शकतात। मतदान नोंदणीसाठी महत्त्वाची जी अट आहे ते म्हणजे भारताचा तो नागरिक असावा, त्यानंतर तो नागपूर शिक्षक मतदारसंघाचा रहिवासी असावा आणि 1 नोव्हेंबर 2022 पूर्वी मागील 6 वर्षामध्ये किंवा 3 वर्ष त्यांनी शिक्षक म्हणून काम केलेलं असावं। अशा शिक्षकांना मतदार नोंदणी करता येईल। यामध्ये यापूर्वी जरी मतदार नोंदणी केली असेल तरी सर्व शिक्षकांना नव्याने मतदार नोंदणी करावी असं मी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करतो।